Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन HCF एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज है 5.5 क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. आज इसका 6 क्वेश्चन है तो चलें फिर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स. सबसे पहले हम इसे एक बार इसी तरह से उतारेंगे, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 3, फिर है x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स. इसके बाद हम यहाँ पर x प्लस वाई को इसी तरह से रहने देंगे. अब यहाँ पर हम कर देंगे प्लस और अंदर कर देंगे माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है. इसके बाद आगे इसी तरह से जेड प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 3x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स. अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो कि इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे तो a है हमारे पास x प्लस वाई और फिर यहाँ पर बाहर प्लस से अंदर माइनस और प्लस माइनस माइनस और y प्लस जेड फिर प्लस का z प्लस x आ गया. अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का हो गया है. अब अगले ब्रैकेट में यहाँ पर हम a स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा x प्लस वाई, b स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा बीच में प्लस, फिर है माइनस y प्लस जेड फिर प्लस z प्लस x, ठीक है. अब यहाँ पर देखें बाहर ऊपर y प्लस जेड के साथ माइनस है और a b में भी माइनस है, ठीक है. तो यहाँ पर जब हम a लिखेंगे तो a आ जाएगा x प्लस वाई और जब b आएगा यहाँ पर, अब y प्लस जेड के साथ जो माइनस है वो बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस x प्लस वाई और y प्लस जेड, ठीक है. इसके बाद आगे है b और c तो इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर आ जाएगा y प्लस जेड बी में और c है हमारे पास z प्लस एक्स, ठीक है. इसके बाद है हमारे पास a और c. अब यहाँ पर b नहीं है, a और c है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा तो a में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई और c में आ जाएगा z प्लस एक्स, ठीक है. इसके बाद यहाँ पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये खुल जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है. अगले ब्रैकेट में x प्लस वाई, अब यहाँ पर सॉरी स्किन सब के ऊपर स्क्वायर था जो शुरू वाले ब्रैकेट हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है. ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है. इसके बाद अगला फार्मूला लगेगा, अब बाहर प्लस है तो अगर प्लस बाहर हो तो साइन चेंज नहीं होती तो ये प्लस y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर, इसी तरह आगे भी z स्क्वायर प्लस 2zx प्लस x स्क्वायर, ठीक है. इसके बाद आपस में जो आगे की टर्म्स हैं जो दो वो मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस आ गया xy, ठीक है, फिर प्लस xz फिर प्लस y y से होगा तो हो गया y स्क्वायर, फिर y z से होगा तो हो गया y z, फिर प्लस y z से हो गया, ठीक है, फिर y x से हो गया प्लस का y x और फिर z z से तो प्लस का z स्क्वायर, फिर प्लस तो z और x, ठीक है. इसके बाद माइनस x और z फिर माइनस x स्क्वायर फिर माइनस वाई और जेड, फिर क्योंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर वाली साइन से हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो गया तो वाई के पास माइनस है तो माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई और एक्स, माइनस का वाई और एक्स, ठीक है.
अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है अगर हम उसको देखें तो प्लस का वाई वाई के माइनस के वाई से कैंसिल, प्लस का जेड माइनस जेड से कैंसिल, तो 2x रहेगा, तो ये हो गए 2x। आगे वाले ब्रैकेट में अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं जो आपस में कट रही होंगी, तो इसमें जो वाई एक्स है वो कट रहा है, ये वाई एक्स जो है वो माइनस का है और ये वाई एक्स प्लस का है, आपस में हो गया कैंसिल। इसके बाद ये वाला वाई जेड है माइनस का और ये वाला वाई जेड है प्लस का, कैंसिल हो गया। और इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस एक्स जेड है और ये प्लस एक्स जेड है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही है हमारे पास। इसके बाद हमने देखना है कि वाई स्क्वायर कितने हैं, तो वाई स्क्वायर है हमारे पास एक ये है वाई स्क्वायर, 2y² हो गए और एक ये रहा थर्ड, सेकेंड रो में थर्ड, तो ये हो गए प्लस का 3y². इसके बाद हमने देखना है कि जेड स्क्वायर है, तो हाँ जेड स्क्वायर है, एक सेकेंड रो में है और दो जो है वो फर्स्ट रो में है, ये रहे दोनों एक साथ, तो ये हो गए प्लस का 3z², ठीक है। फिर हमने देखना है कि एक्स वाई है, तो हाँ एक्स वाई है, प्लस का 2xy यानी 2xy मौजूद है और ये सेकेंड रो में एक एक्स वाई है, तो ये हो गए 3xy प्लस के, ठीक है। फिर एक्स जेड, तो जी एक्स जेड भी मौजूद हैं, तो 2xz जो है वो फर्स्ट रो में है, इसके बाद जो एक है वो है सेकेंड रो में, तो ये हो गए 3zx कर दें या xz कर दें, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे पीछे हो सकते हैं प्लस। अब जो लास्ट है वो है वाई जेड, तो वाई जेड जो है ऊपर फर्स्ट रो में 2yz है, फिर इसके बाद सेकेंड रो में है 1yz, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गए 3yz आंसर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपने इसमें साइंस का ध्यान रखना है। अगर आप साइंस का ध्यान नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।